अरे एक एक ये आरएफ कैपेसिटर 6 × 10⁻¹ ठीक है ना। तो वोल्टेज के लिए मैंने क्या किया, चार्ज को कैपेसिटर से डिवाइड कर दिया, 90 को डिवाइड करते 6 × 10⁻¹। और आगे तो पता ही है कैसे किया मैंने। ठीक है चलो, अब ये हो गया इनफाइनाइट कैपेसिटर्स इन सीरीज के एग्जांपल। इससे ना एक थोड़ा नुएंसेस पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा इंटेंशन नहीं था, अभी मैं आगे एक और पूछूंगा, पहले बस इनफाइनाइट सीरीज और पैरेलल एग्जांपल का पता चल जाएगा होता क्या है ना। उसके बाद जो है एक और सर्किट करेंगे, एंड दैट इज कि सपोज ये क्वेश्चन मैं दोबारा पूछता हूं, ठीक है ना, और मान लो दिया हुआ है कि 60, 30, 15 इस तरीके से इनफाइनाइट कैपेसिटर्स, और इसका वोल्टेज फिर से 30 ले लेता। क्वेश्चन वही है, क्यू आर वी आर यू आर सी आर और बाकी चीज। एक तो आजकल मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखता हूँ, दैट जैसे मैं एडमिट करता हूँ ना तो एडमिट होता ही नहीं, काफी टाइम लगता है, पूरा दिखाता है कि एडमिटिंग करके आजकल ज्यादा होता है। शुरू शुरू में ना फट से एडमिट हो जाता है, इसमें ज्वाइनिंग लिख के आ जाता है, काफी देर बाद मैं देखता हूँ ज्वाइन होता है। चलो एनीवे, तो लाइक सेम क्वेश्चंस, आरएफ कैपेसिटर का चार्ज, वोल्टेज ऑफ द आरएफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द आरएफ कैपेसिटर, सी आर एफ, चार्ज वोल्टेज यू, ये तो पूरे सर्किट का और ये इंडिविजुअल, ठीक है ना। जैसे मैं देख रहा हूं आयुष्मान दिव्यम वेटिंग में है और मैंने जबकि कर दिया है एडमिट, वो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा। और अब जाकर दिव्यम का हो गया, चलो जो भी है। चलो
पहली बात तो सी आर तो इस बार हाफ वाला हो जाएगा, यानी 60 इंटू हाफ टू द पावर आर माइनस वन। और इनफाइनाइट वाले में इस बार तो सिंपल है, इस बार तो जो है सीरीज है, इसलिए क्या होगा, इस बार क्या हो जाएगा सीरीज के चक्कर में, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60 प्लस 30 प्लस 15 प्लस ऐसे, यानी 60 बाय 1 माइनस हाफ यानी इक्वल टू 120। तो सी इक्विवेलेंट आ गया इक्वल टू 120। और चार्ज क्या होगा फिर, बस सी इंटू ही 30 इंटू 120 न्यूज। वोल्टेज तो सबका सेम होगा and that is 30 volt, ठीक है ना, सबका सेम होगा है ना। पृथ्वी का तो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा, समो पावर आर माइनस वन इंटू सेट। यू क्या हो जाएगा, क्यू वी बाई टू, तो हाफ टू द पावर माइनस वन इंटू हाफ, तो हाफ टू द पावर आर हो जाएगा, यानी 60 इनटू 30 इनटू 30 इनटू हाफ टू द पावर आर। और जो एनर्जी हो जाएगा वो होगा क्यू वी बाय टू, यानी 30 इनटू 120 इनटू 30 बाय। ये हो गया टोटल जो है सारा। ये मान लो है 2μF, ये 1μF, ये भी 2μF, ये 1μF, और पूरा ये ऐसे ही पूरा इनफाइनाइट। ये सपोज हो गया 30 वोल्ट, वोल्टेज 30 यूज कर रहा हूं बाबा, कोई दिक्कत नहीं। गुड तो पावर वन माइनस आर नहीं होगा, आर माइनस वन। मनन ने आंसर दिया हुआ है। अब तो जस्ट एक बार आंसर मिला लो फटाफट, है ना, कई सारे आंसर आ चुका है तो मैं सारा चेक नहीं कर पा रहा। व्हाट यू डू इज दैट यू कैन मैच योर आंसर्स ऑन योर ओन।
ठीक है ना। चलो इसमें फाइंड क्या करना है, क्यू ऑफ द सर्किट सी क्यू वैल्यू एंड देयरफॉर एनर्जी, और उसके बाद क्यू आर एथ टू वी एफ और क्यू आर एथ वन वी एफ, ये भी फाइंड आउट करना। लक्ष्य ने आंसर तो निकाल लिया, चार्ज का वैल्यू सी वन आ रहा है और क्यू थर्टी हो गया। रचित का भी आंसर वही है, आर्यन का भी आंसर वही है, सेम है। ओके, रोहन का भी आंसर सेम है, ठीक है। एक्चुअली क्या ना, ये तो वो वाला बनेगा ना कि अगर इनफाइनाइट के साथ अगर एक हटा दो या जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट आई कैन डू इज दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस सर्किट आई कैन डू लाइक दिस, कि मैं अगर फर्दर की बैटरी हटा दो, in that case what I can do is that I can do like this 2 1, और अगर इस पूरे सिस्टम पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर x होता है तो मैं लिख सकता हूं ये x बनेगा ऐसे 2 1, और इसके पीछे भी एक x होगा। दैट्स द वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों ने जो है रेजिस्टेंस के साथ क्लास 10th में किया हुआ है ना, रेजिस्टेंस के साथ क्लास 10th में तुम लोगों ने कर रखा है। मैं जो बता रहा हूं वो है कैपेसिटेंस के लिए, तो सिमिलर चीज है। तो इसका तो एक्सप्रेस वन, ये हो जाएगा एक्सप्रेस वन यानी एक्स प्लस वन और सीरीज में टू बाय टू बाय एक्स प्लस वन प्लस टू, क्योंकि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होता तो सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू, मैं वही कर इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट यानी एक्स 2x plus 2 is equal to x square plus 3x. Then x square minus x plus 2 is equal to 0. Then x equal to 1. और बाकी तो माइनस में आएगा, इसलिए इसको तो इससे सॉल्व हो जाएगा x इक्वल टू वन, और दूसरा तो हमें लेना नहीं है माइनस टू अगर तो नहीं लेंगे, यानी मैं देख रहा हूं कि x का वैल्यू जो है इस केस में आ गया वन। प्रणय से एक्सप्लेन कर दो, देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट थोड़ी देर के लिए काम करें, इसको हटा दो, 30 वोल्ट बाद में जोड़ लेंगे। ये पूरा इनफाइनाइट नेटवर्क, और देखो इनफाइनाइट नेटवर्क का एक खासियत क्या है कि अगर मैं यहां से काट भी देता हूं, जरा देखो तो मैंने क्या किया, यहां से इस सर्किट को काट दिया यहां से, ठीक है। तो इसके पीछे का जो नेटवर्क है वो भी तो वही वाला नेटवर्क है जो पहले वाला था, सेम जैसे है या नहीं। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में ये जो नेटवर्क है इसके पीछे का वो भी तो एक्स ही बना, अगर ओरिजिनल नेटवर्क का एक्स था तो पीछे वाला नेटवर्क भी एक्स था, यानी 2 1 रखो और इसके साथ एक्स जोड़ दो तो बनना चाहिए एक्स ही, तो वही मैंने किया 2 1 के साथ पीछे का एक्स जोड़ दो तो वो इक्विवेलेंट इस पहले वाले का बनना चाहिए, दैट इज एक्स। तो यानी एक्स और वन को पैरेलल में ले लिया तो इसकी एक्स प्लस वन और उसके साथ सीरीज में है टू, तो एक्स प्लस वन इंटू टू बाई एक्स प्लस वन प्लस टू सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट एक्स, तो एक्स आता है। उससे क्या होगा, सॉल्व करके x को 1 आ गया, कॉमा छोड़ दो क्योंकि वो तो नेगेटिव है सर, x स्क्वायर प्लस x होगा। हाँ ठीक है, x स्क्वायर प्लस x ठीक है। तो जो भी है सॉल्व करके 1 आएगा एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो इससे पहले 1 तो आंसर आ चुका है कई होंगे, तो इसलिए मैंने अभी कुछ ज्यादा बोला नहीं।
तो वन आ गया। अब क्योंकि 30 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है क्योंकि 30 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है तो देखो चार्ज क्या हो गया 1 × 30 यानी 30 कूलम आ गया, 30 म्यू कूलम मतलब आ गया। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 μC 1 μF। एनर्जी कितना आ जाएगा Q² / 2C भी कर सकते हो तो 900 दिस थिंग यानी होगा 450 μJ। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज कि चार्ज कैसे निकलेगा, है ना। देखो यहां पे जो चार्ज पहुंचा है वो तो आ गया 30 μC, इस पे वो 30 μC यहां पे आएगा और फिर दोनों में बट जाएगा। देखो बटने का सिस्टम क्या होगा, है ना, बटने का सिस्टम ये होगा कि देखो यहां पे एक 1 μF नीचे वाला कैपेसिटर 1 μF है और पीछे का जो नेटवर्क है वो तो x है भाई, पीछे का जो नेटवर्क है वही तो x है, तो x आया कितना, वो भी तो 1 ही है। यानी यहां पे जाना एक तो 1 है और पीछे का नेटवर्क भी इफेक्टिवली 1 ही है, यानी देयरफॉर 1 और पीछे पैरेलल में 1 यानी कि इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देयरफॉर ये आ जाएगा कितना ना, ये आ जाएगा 15 μC और इधर भी 15 μC। एक छोटा सा चीज ध्यान रखना और इसी पे मिस्टेक हो जाता है कई बार, इज दैट 2 और 1 पैरेलल में नहीं है। दोबारा सुन लो, ये 2 और ये 1 पैरेलल में नहीं है। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कई बार पता चला कि वो मिस्टेक कर रहे हो कि ठीक है एक चार्ज आया है और दो में बट रहा है तो मैं उसको कर दूंगा C2/C1+C2 और C1/C1+C2, वो नहीं चलेगा। लेकिन कैसे चलेगा, 2 को लेके नहीं चलेगा, इस पूरे सिस्टम को लो तो दैट इज 1 कैपेसिटेंस, उस पे चले। क्योंकि यहाँ पे जो वायर गया ना, मतलब ये जो 2 और 1 है ना, ये पैरेलल में नहीं है क्योंकि पैरेलल में होने के लिए दोनों सेम पॉइंट पे जुड़ा होना चाहिए। तो एक तो सेम पॉइंट ठीक है, लेकिन ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये वाला, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों सेम पॉइंट थोड़ी है। देयरफॉर 2 और 1 ध्यान रखना पैरेलल में नहीं है, 1 1 और ये पूरा पीछे का सिस्टम, ये दोनों पैरेलल में और वो पीछे का सिस्टम आया 1, तो देयरफॉर 1 और 1 पैरेलल, इसलिए चार्ज इक्वली बढ़ रहा है, यानी ये 15 हो गया तो इसका भी 15 हो, 15 μC। आप जगह नहीं, इसलिए मैं μC नहीं लिख रहा, 15। वो 15 जब यहाँ पे जाएंगे वो फिर वही चीज होगा, इधर 1 है और इसके पीछे का जो नेटवर्क वो भी तो इनफाइनाइट है, यानी ये हो जाएगा आप 15/2, इसका भी 15/2, ये हो गया 15/2 और इसका भी हो गया 15/2। अब तो आई थिंक थोड़ा बहुत इसको लिंक कर पा रहे हो, है ना। चक्कर पृथ्वी का जो है बिल्कुल लॉगिन ही नहीं हो पा रहा, मैं ज्वाइन प्रेस करता तो भी नहीं हो पा। चलो एनीवे, यानी जो मैं सीक्वेंस देख रहा हूँ क्यू आर एफ 2 μF का, 2 μF का और 1 μF का, अब ये मुझे बता दो क्या होगा, ठीक है। आप मुझे बता दो क्या लिखना चाहिए, क्यू आर एफ 2 μF और क्यू आर एफ 1 μF। प्रणय आप समझ में आ गया ये वाला और इसके बाद जो एक्सप्लेन किया मैंने, तो इसका तो 30 है ना। मेरे जो चार्जेस निकल रहा है वो है इसका 30 μC, इसका 15, इसका 15/2, इसका 15, इसका 15/2, आई थिंक उससे थोड़ा बहुत सीक्वेंस में पता चल गया होगा। तो इसका बता दो क्या लिखो, क्यू आर एच 2 μF। टू टू द पावर 1 - R नहीं होगा, R - 1 होगा, है ना, ठीक है। यानी क्यू आर एच 2 μF का हो गया 30 × 1/2 R - 1 और इस
का हो गया 15 into half to the power r minus 1, ठीक है ना? हाँ, या half to the power r भी लिख सकते हैं. इसको 15 into half to the power r minus 1 ना लिखे, 30 into half to the power r हो भी चले, वो कोई दिक्कत नहीं है. ये तो दोनों सेम ही आंसर हो रहा है. इसको 30 लिखे r कर दो तो भी चले. लेकिन इसमें एक पता इश्यू क्या हो गया कि यहाँ पे क्वेश्चन एक फायदा हो गया. फायदा पता क्या हो गया कि ये वाला हाफ हो रहा है, यानी हाँ में हमेशा हाफ 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 हो रहा है. पर इससे मिसलीड नहीं होना चाहिए, कई बार हाफ नहीं होता. आई विल रिपीट, कई बार हाफ नहीं होता है. इसलिए अब इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अनदर क्वेश्चन, हमें मैं सपोज कहता हूं कि लेट अस से ऐसी कुछ और है जिसमें ये तो एक क्वेश्चन दे देता हूं, मैं इसी को उल्टा करके दे देता हूं, ठीक है ना? इसी को उल्टा करके दे देता हूं. लेट अस से 30 का 30 रहने दो, इस बार इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो. ये 1, ये यानी ये 1 म्यू एफ 2 म्यू एफ 1 म्यू एफ 2 म्यू एफ. ऐसे में मुझे लिख के बताओ कि क्यू आर एच वन म्यू एफ का क्या होगा और क्यू आर एफ टू म्यू एफ का क्या होगा. देखो हाफ के कारण ना ये वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा आसान हो गए क्योंकि इधर भी हाफ उधर भी हाफ. लेकिन अगर मान लो एक तरफ वन थर्ड टू थर्ड होता है तो दैट इज थोड़ा सा डिजाइन करना हल्का सा टफर है, हल्का सा, ज्यादा नहीं. तो देयरफॉर नहीं नहीं शौर्य आर नहीं आएगा, इंटू आर नहीं आएगा. यहाँ पे एक आर भी बता रहे हो, वो आर नहीं आएगा. लेकिन ध्यान रखो या वो टू द पावर, वो टी लिख दिया था गलती से, उसको आर बता रहा था. अच्छा अच्छा, मतलब हाफ टू द पावर आर है ये, है ठीक है, फिर तो चलेगा. 30 इंटू हाफ टू द पावर आर, हाँ वो भी चलेगा, ठीक है ठीक चलेगा चलेगा. अच्छा इसमें देखो, इसको फटाफट सॉल्व किया जाए तो इसमें क्या हो रहा है ना, आप 2 प्लस एक्स होगा, ये तो एक्स हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाय सॉरी इनटू 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x यानी प्लस x. तो ये जो है ना अप्रोक्सीमेटली आएगा माइनस 1 प्लस रूट 3, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 ले लो, 0.7 नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना? ये आगे एक्स, ये आगे एक्स का वैल्यू. आई होप एक्स इज करेक्ट है, मैं एक बार चेक कर लें. तो एक्स का वैल्यू जो है इस बार आ गया 0.7, ठीक है, 1.73 माइनस करके 0.7, और 0.73 के टर्म्स में आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं. धीरज ठीक है, ये तो आई थिंक एक्सपेक्टेड था. आर्यन ने, मनन ने, रोहन, तन्मय ने फटाफट बता दिया कि रूट 3 माइनस 1 होगा, तो यानी आंसर 0.7. अब 0.73 को यूज करके मुझे क्यू आर एफ 1 म्यू एफ बताओ और 2 म्यू एफ बताओ. कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना उतना भी आसान नहीं है. जैसे ये तो थोड़ा सा ऑब्वियस और आसान हो गया कि हाफ का फैक्टर है ना, बट इस बार हाफ नहीं होगा, इसलिए मैं काम करता हूं, मैं इनफैक्ट सर्किट को भी दोबारा डिजाइन कर देता हूं. ठीक है,
इस बार डिजाइन करो जरा, क्योंकि मुझे पता है कि हाफ के चक्कर में पिछली बार इजी हुआ था और ये 0.73 के चक्कर में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसलिए मेरे ख्याल से शायद थोड़ा टाइम भी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग, आज तो और कुछ करने का टाइम होगा नहीं, तो इसी को करके खत्म करेंगे। तो लाइक इसका बस डिजाइन कर दो कि क्यू आर एफ 1 वेव का क्या होना चाहिए और 2 वेव का क्या होना चाहिए। ओके, देयर इज अ गुड आंसर एंड दैट इज फ्रॉम जय गोयल एंड दैट इज क्योंकि C equivalent पे 0.73 आया तो 30 × 0.73 है ना, तो एक तो ये आएगा यानी 21.9, ठीक है। तो यानी सबसे पहले वाले में तो जो चार्ज आएगा वो आएगा 21.9, बाकी म्यू सी उसे एडजस्ट कर लो कोई बात, 21.9 के बाद झंझट शुरू होता है क्योंकि इसका है 2 और इसके पीछे का जो इक्विवेलेंट है वो है 0.73 है ना, तो यानी इस पे जाएगा 2/2.7 यानी इसका हो जाएगा 21.9 × 2/2.7, ठीक है। तो इसका क्या होगा फिर, इसका हो जाएगा 21.9 × 0.73/2.7 यार, ठीक है। अब मेरे को इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये तो चार्ज आया उसका ये वाला टाइम यानी 21.9 × 0.73/2.73 ये वाला यानी 2/2.7, ठीक है ना। और इसका क्या हो जाएगा फिर, दिस इंटू 0.73 बाय दिस यानी थोड़ा लिखने में कम जगह है, ठीक है ना, लिखने में जगह थोड़ा कम है अनफॉर्चुनेटली, तो ये हो जाएगा जगह है 21.9 × 0.73/2.73 का होल स्क्वायर, पता नहीं दिखाई नहीं दिख बहुत मुश्किल से दिख रहा, ठीक है ना। तो अच्छा इसका क्या हो जाएगा फिर, ना ये वाला इंटू 2/0.7 मतलब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये पावर बढ़ता जाएगा है ना, तो यानी फाइनली बनेगा 2 μF का, इधर 2 μF वाला है इधर 1 μF वाला आसान है, 1 μF वाला हो गया 21.9 × 0.73/2.73 r-1, इसका होगा 21.9 × 2/2.73 × 0.73/2.73 r-1, ये इसका आंसर होगा। आप देख लो जरा कि करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। जय गोल ने आंसर दिया 21.9, मुझे लग नहीं रहा है कि पूरा करेक्ट है सबका, तो जय थोड़ा सा गलत है, एक बार जरा चेक करो। शौर्य ने बोला सेम, तो अगर सेम एज जय बोल रहे हैं तो इधर किस थोड़ा सा गलती है जय, अच्छा जय ने फिर बाद में आंसर चेंज भी किया। हाँ 2 μF वाले का चेंज किया, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया क्यों चेंज किया। हाँ ठीक है, अब सही है।
जय ने जो पहला आंसर दिया था उसमें टू म्यू एफ वाले में एरर था, अब वो भी करेक्ट कर दिया। ये इसका फाइनल आंसर, एक बार अच्छे से चेक कर लो, बस ये लास्ट है तो देयरफॉर एक बार जस्ट चेक कर लो। सर सेकंड वाले टू म्यू एफ में 0.73 अपॉन 2.73 का फैक्टर क्यों आ रहा है? देखो पहले 21.9 आया है ना, तो 21.9 के बाद देखो ये 2 है और ये इफेक्टिवली है तो 1, लेकिन 1 हम नहीं लेंगे ना, हम तो इसको 0.73 दे रहे हैं, तो देयरफॉर इधर वाले को अगर 2 by 2.73 के देखो इधर वाले, क्योंकि 21.9 into 2 by 2.73 ये आगे पहले वाले। अच्छा इधर अगर 21.9 होता है तो यहाँ पे 2 by 2.73 तो उधर 0.73 by 2.73, तो ये पहले वाले का हो गया 0.73 by 2.73। अब यहाँ पे जो चार्ज आया, देखो यहाँ इस वाले का चार्ज इस पे नहीं, इस पे डिपेंडेंट है, इस वाले का चार्ज इस पे नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इस पे डिपेंडेंट है, तो इसका इंटू 2 by 2.73, तो इसका इंटू 2 by 2.73 देखो इसका क्या है 0.73 ये वाला, इसका चार्ट है ये वाला, इसका क्या होगा उसका इंटू 2 by 2.73, ठीक है ना, ये आ गया इसका। अच्छा फिर क्या होगा ना, इधर क्या जाएगा फिर, इधर फिर 0.73 by 2.73 कितना होगा, यानी इसी का स्क्वायर होगा, ये देख लो अच्छे से, ठीक है ना, ये वाला, ये थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, मैं इसको लिख दू स्टार देख के मैंने क्या लिखा लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टार देख के जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अब होपफुली फॉलो हो जाएगा, वहां पे छोटा है तो शायद दिख नहीं रहा है। 21.9 × 0.73 by 2.73 का होल स्क्वायर ये लिखा है, तो ना क्योंकि ये जो चार्ज है ना उसका 0.73 by 2.73 मल्टीप्लाई होता है, यानी यही वाला मल्टीप्लाई हो रहा दोबारा, तो स्क्वायर हो गया, तो देखो स्क्वायर। अब इसपे जो चार्ज जाएगा ये वाला जो चार्ज है उसका फिर 2 by 2.73 यहाँ पे होगा, यानी 2 by 2.73 एक ही बार आ रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी हर जगह है ना, और 0.73 by 2.73 बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है, क्योंकि वही ऊपर वाला चार्ज डिसाइड होता है और ऊपर वाले चार्ज का ही पार्ट इधर और पार्ट उधर जाता, तो इसलिए 2 by 2.73 तो एक ही बार रहेगा, ये देखो ये वाला, और 0.73 by 2.73 ये मल्टीप्लायर्स ठीक समझ में आ रहा है? चलो सो दैट वाज अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन एन इन इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है ना, तो इस पे और प्रैक्टिस कर लेना, बुक्स में देखना 2-4 क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे, उसमें चार्ज एनर्जी, देखो एक बार चार्ज और कैपेसिटेंस पता चल गया तो कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी पता ही है और चार्ज भी पता चल चुका है, यानी वोल्टेज एनर्जी एनर्जी आप कुछ भी निकाल जा सकते, है ना, या सम अप करो एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब भी आराम से आ सकती है, तो सीरीज आ गई, तो अगर मान लो पूछा जाए कि यहां से लेके यहां तक का एनर्जी का सम बताओ तो आराम से वो भी एक सीरीज आएगा और वो जीपी आएगा, तो जीपी का तो समेशन करना आता ही है या नहीं, तो देखो दो आर थिंग्स दैट यू कैन डू योरसेल्फ। चलो ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं, वी विल कैरी ऑन टुमारो सेशन, कल हम लोग डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, डायलेक्ट्रिक सिंगल डायलेक्ट्रिक तो हमने इंट्रोड्यूस पहले दिन ही करा था जब कैपेसिटेंस करा था, बट कल हम लोग करेंगे अगर मल्टीपल डायलेक्ट्रिक होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, चलो दैट्स इट फॉर टुडे देन, वी विल मीट अगेन टुमारो, कल के लिए बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, ओके थैंक यू बेटे, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।